चंदन, अरे ओ चंदन, तुम्हारे भैया ओंकार जीजा कहाँ है? वो तो भीतर है, कहाँ है? जरा बुलाओ उनको। तुम्हारी भौजी सीढ़ी पर से गिर पड़ी है, सर से बहुत खून निकला है, हालत नाजुक है। कहाँ? हाँ जल्दी भैया। यह है कहाँ? खबर पहुंचा दिए जीजी, आते ही होंगे। मुन्ना, ये रहा मुन्ना। मुन्ना हमारे पास जीजी। गुज्जा, गुज्जा जीजी, बाबू बाबू बाबू, जीजी बुला रही है। कहाँ है बिटिया? कहाँ है बिटिया? लो बेटा दवाई पी, लो लो लो। ओंकार, ए ओंकार, अरे ऐसे अंधेरे में काहे गुमसुम होकर बैठे हो बेटा? ऐसे बिसुरने से कौनो फायदा है? बोला, अरे वो अपनी तो थी नहीं, निर्मोहिन थी, चार दिन के लिए मोह मोहब्बत लगाकर चली गई बेटा। अब अपना सर भी फोड़े तभी भी वापस नहीं आ वाली है। सबर करा बच्चा, सबर करा, सबर करा बेटा। चंदन, अरे का रे, तनी घर में दीवा बत्ती करा, एकर मन बहलावा, ये तोरे खातिर कितना कुछ करे, एकर भी तू ख्याल करा। बचवा तनी के हंसावा बुलावा, गांव में घुमावा फिरावा, हैं? चल चल दीवा बत्ती कर, चल जा जा दीवा बत्ती करा। लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। सुनो, अब इतना सोचते रहने से क्या होगा? अब सोचने के सिवा रखा ही कहा है। पराई अमानत थी, अपने घर से उठ गई, उसका तो हमेशा ही। अमानत जिसकी थी वो ले गया, उसके आगे किसका बल चलता है? और सुख दुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, उन्हें सहन करना पड़ता है। बीती को बिसार कर आगे देखना पड़ता है। इतना दुख नहीं करते बेटी, नहीं कहा करे बाबू। बेटा बेटा, काका खेत में जा रहे हो? हाँ बेटा, घर पे जो गाज गिरी है उसे तो सबको मिलकर सहना पड़ेगा। कहो ठकुराइन, अच्छी हो?
और मनोरथ जानौनी के बसों सदा उड़पुर सभी के केन्यो प्रगट ना कारण ते ही असके चरण गए बैदेही बिने प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी बुंजा सादर सिर प्रसाद सिर करो बोली गौरी हरिश है भरे सुन से सत्य असीस हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचिताचा सोबर मिल ही जाय मन राचा लिखा नहीं आज सोमवार है ना एक ही बखत खाती है ओ हाँ अच्छा वहां की कोई खबर है नहीं क्या हुआ मन बड़ा पछताता है भूले सुरी ना जाने किस मुझे आने को मना कर दिया था आते जाते रहते तो गुंजा हाँ बाबू बेटे जरा हमारी चादर ला दो अच्छा अले 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 नहीं 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 गुंजा आती है ले संभाली से दो घड़ी इसने हमें वहाँ बैठने भी नहीं दिया बस एक ही रट लगाई रखी मौसी 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 ले मौसी का दुलारा है ना राजा बेटा है काहे रे नानी को तंग करता है शैतान देखो गुंजा का इसे इतनी माया बढ़ाना ठीक नहीं है नहीं तो बाद में इसे बहुत अखरेगा काहे काहे का कल को गुंजा को भी ब्याह कर पराए घर जाना है फिर क्या होगा साथ में ले जाएगी क्या अब दुनियादारी की बात जरा समझो आखिर लड़का ओमकार का है जब चाहेगा तब ले जाएगा पर उसे वहाँ संभालने वाला है कौन अरे आज नहीं है तो क्या हा? वो लोग भी तो आखिर अपना घर संभालेंगे ही हम भी तो यही कहते हैं अपना बच्चा अपने पास नहीं रहेगा तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका घर कहाँ है उसका बाप कौन है और फिर बहू ने जिस लगन से इस घर को संवारा था उसे भी तो संभालना है वैद्य जी हम तो समझते हैं कि इस घर में एक बहू का होना बहुत जरूरी है लेकिन हमारी सुनता कौन है क्यों बेटा ओंकार देखो घर संभालने और रोटी पानी के अलावा आदमी की देह की भी एक जरूरत होती है अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है जिंदगी कैसे संभालोगे वो तो संभल जाएगी बाबू बाकी रही घर संभालने की बात तो आप लोग चंदन का ब्याह क्यों नहीं कर डालते नहीं नहीं भैया ये हमसे नहीं होगा तुम ब्याह कर लो मुन्ने को घर ले आओ पहले की तरह हंसने बोलने लग जाओ फिर तुम जो कहोगे हम कर लेंगे नहीं सौतेली माँ लाकर हम मुन्ना को और दुख में नहीं डाल सकते अरे सौतेली माँ क्या हमेशा खराब होती है और फिर हम लोग जो है मुन्ने को देखने के लिए उसको दुख कैसे मिलेगा परिस्थिति को देखते हुए एक विचार आ रहा है कहिए तो कहूँ जरूर कहिए ये तो सच है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है इसलिए मुन्ने का मुंह देखते हुए हम सोचते हैं कि इस घर में गुंजा ही आ जाए तो क्या हर्ज है गुंजा ओंकार बेटा ओंकार तुम अगर गुंजा से शादी कर लो तो सारी समस्या हल हो जाएगी उसका भी तो ब्याह हमें करना ही है और तुम जानते हो कि मुन्ना गुंजा से हिला मिला भी है गुंजा ने यह घर देखा समझा है तुम सब भी उसे जानते हो मुन्ना कभी समझ भी नहीं पाएगा कि गुंजा उसकी माँ है या नहीं बोले ओंकार बूढ़े बाप की ये बात मान लो तो मैं जिस धर्म संकट में पड़ा हूं उससे उबर जाऊंगा बोलो बेटा जैसी आपकी इच्छा काहे चंदन हा? तुम का कहते हो जिसमें भैया की खुशी हो कब हमें मंजूर है आ गए हाँ बलिहार गए थे हम क्या बात हुई गुंजा की शादी के बाद तिवारी जी से तय कर आए हम अच्छा हाँ बाबू पानी लाए हाँ लाओ बेटा अरे जरा ठहर पहले हमारे पांव धुला दे अच्छा ब्याह कब का है आज से पांचवें दिन तिलक और सातवें दिन ब्याह समय तो बहुत कम है सब कुछ हो जाएगा उन्होंने खुद ही कहा है कि ज्यादा अनबर करने की जरूरत नहीं है असल में बिचारों को रोटी पानी की बड़ी तकलीफ है अरे कहाँ चली
अभी आई अम्मा। आ गया बेटा। हाँ। बैठो। नहीं ठीक है, पालकी वालों से बाजू वालों से बात कर ली है। हाँ। सब कुछ तय हो गया। अच्छा। पियाना भी दे दिया है, कपड़े पड़े सब ला दिया हमने। हाँ। तुम्हारे लिए कुर्ते का कपड़ा लाए हैं। हाँ। बाबू दर्जी के पास जाओ, सिलवा लो उसको। हमारे लिए काहे काहे का लो, अभी जाके दो तो बखत पे मिलेगा, जाओ चलो। अच्छा बाबा जाते हैं, चलो मिश्र। एक बात के पीछे पड़ गया है, अब हटेगा थोड़ी। बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। अरे सारी जिम्मेदारी ऐसे निभा रहा है जैसे घर का सबसे बड़ा बूढ़ा यही है। चलो चलो चलो। चंदन का दो दिन से तुम्हें ढूंढ रही है। का है? का बात है? बात हम पूछते ये सब का हो रहा है का? ऐसे मत बनो जैसे हमारी बात का मतलब नहीं समझे। तुम कहना क्या चाहती हो? उस दिन तुमने हमसे क्या कहा था याद है? और अब क्या हो गया? कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार? अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर बता दो सब कुछ भैया को, नहीं तो देख लेना जिंदगी भर रोगे पछताओगे। काहे काहे तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हें ऐसे का मतलब? हम क्या कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो फिर तुम प्यार का दुख नहीं जानते? हमसे पूछो, हम जानते हैं। अरे मन तो जिसको चाहता है ना उसी को सुखी देखना चाहता है, उसी का भला चाहता है, चाहे भले को दुख उठा ले। और तुम उसे जानबूझ कर कांटों में घसीटना चाहते हो कि तुम्हारा वो प्यार झूठा था, खिलवाड़ था। चुप करो रज्जो। नहीं अब हम चुप नहीं करेंगे, हम अभी जाकर सबको बता देंगे। काका से कहेंगे, फूफा से कहेंगे, और भैया। नहीं 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 रज्जो, तुम किसी से नहीं कहोगी, तुम्हें हमारी कसम। अगर तुमने हमें कभी चाहा ना रज्जो, तो उस चाहत की कसम तुम अपनी जबान नहीं खोलना। हमने हमने गुंजा के लिए तुमको जो कुछ भी कहा सब झूठ था, गलत था, और जो हो रहा है ना वही सच है, वही सच है। देखना इधर ससुराल जाके भी भूल ही जाएगी। अरे भूलेगी क्या, ये तो अभी से हम भूल गए। चलो चलो बारा आ गई, चलो अरे चलो 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 चलो। हम भी छत से चलकर बारात देखें। नहीं तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ए चलना। नहीं तुम जाओ। नहीं आना। सुनो ना मुन्ने यहाँ के लाए, तुम जाओ। गुंजा। हाँ गुंजा। का गुंजा बोलना। चंदन दूल्हा के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है ना? बारात का दूल्हा चंदन नहीं है गुंजा, वो घर जी जाए। का हाँ। नहीं ये सच नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं गुंजा हम सच कह रहे हैं। नहीं ये सच नहीं हो सकता, हम देख के आती हैं अभी। अरे गुंजा क्या हुआ, क्या हुआ बिटिया? ना जाने क्या हुआ इसे। अरे अरे बिटिया आप तो जरा इसके बाबू को बुला के लिया चल। क्या हुआ? देखो ना इसे क्या हो गया है। गुंजा ए गुंजा। हाँ बेटी। इसने क्या किया बाबू, हमें एक बुढ़िया से खेला के दे दो, हम कहा कर अपनी जान दे देंगे। मेरी बहन नहीं कर सकती बाबू। का बहन नहीं कर बाबू। ये कैसा पागल पले, चुप कर। हमारा गला घोट दो, हमें जान से मार दो, हम हमेशा के लिए चुप कर जाएंगे। अरे पर कुछ समझ में भी तो आई, आखिर हुआ क्या?
हम जिस दिन शादी तय करके आए थे उस दिन तो तूने कुछ नहीं कहा था। हमें क्या मालूम था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। चाचा, इसने तो समझा था कि आप इसका ब्याह चंदन से तय करके आए हैं। चंदन से? हाँ, ये तो चंदन को चाहती है और चंदन भी इसको चाहता है। रूपा जी जी ने तो इन दोनों से वादा भी किया था कि इनका ब्याह करा देंगे। रूपा की बात तो रूपा के साथ गई बेटी, लेकिन चंदन अगर गुंजा से ब्याह करना चाहता था तो जिस दिन ये बात तय हुई उस दिन वह भी वहां था, उसे कुछ क्यों नहीं कहा? कुछ नहीं कहा? नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम झूठ नहीं कह रहे बेटी, चंदन तो बाहर ही है। कहो तो अभी बुला ले, तुम खुद पूछ लो। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है बिटिया, बाप है। और अब इस बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ है। बारह दरवाजे पर आकर खड़ी है बिटिया। बापू, बेटी, लड़की का मन तो अटल सिंधु होता है। कितने ही तूफान आए, सब अपने आप में खेल जाता है। हाँ बेटी,